लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और चार साल मनोहर सरकार, तो चार साल में क्या कुछ हुआ है उनके मंत्रालय में। परिवहन मंत्रालय की बात की जाए तो परिवहन मंत्रालय में किस तरीके से काम हुआ है, क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं इन चार सालों के दरमियान। इसके साथ ही जो आने वाला साल है उसमें किस तरीके से परिवहन विभाग में काम होना है, इन सभी बातों को लेकर आज सवाल और जवाब किए जाएंगे परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार जी से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पवार मनोहर सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन और मेहनत के साथ निभा रहे हैं। कृष्णलाल पवार हरियाणा की इसराना विधानसभा से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के पास परिवहन के साथ हाउसिंग और जेल जैसे अहम मंत्रालय भी हैं। 1 जनवरी 1958 को पानीपत में जन्मे कृष्णलाल पवार की हरियाणा में मजबूत पकड़ और सियासत में सक्रियता हमेशा जन कल्याण के लिए रही। अपने राजनीतिक करियर और खास करके मनोहर सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद इन चार सालों के कार्यकाल में कृष्णलाल पवार ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों से जनहित के कार्य किए। अक्टूबर 2014 से जून 2018 तक 666 नए स्टैंडर्ड बसों की तब्दीली या बढ़ोतरी की गई। साल 2018-19 के दौरान 267 पुरानी बसों को बदलने का काम किया गया और 300 नई बसें बेड़े में शामिल करने की योजना। विभिन्न क्षेत्रों में नए डिपो और उप डिपो स्थापित किए गए। पंचकुला को पूर्ण डिपो का दर्जा दिया गया। सभी नगर निगमों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य परिवहन उपक्रम घोषित किया गया। प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर 105 बस अड्डे स्थापित किए गए। इसके अलावा करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आधुनिक बस टर्मिनल बनाए जाने की योजना है। तो शाम बरवाला, पुनहाना, फिरोजपुर, छिरका, तावड़ू, नू, जज्जा, सांपला, जाखल और नाथूसरी चेपटा में नए बस अड्डे बनाए गए। जिला पानीपत, रेवाड़ी और नू में 3 नई जेलें बनाई गई हैं। जिला जेल करनाल और फरीदाबाद में ओपन एयर कैंपस स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। जेलों में कैदियों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिवहन, हाउसिंग और जेल मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ बीते चार सालों में कृष्णलाल पवार ने अपनी कार्यकुशलता का बेहतर परिचय दिया। हरियाणा के बुनियादी मसलों पर काम कर विकास की एक नई इबारत लिखने में अपना अहम योगदान भी कृष्णलाल पवार ने दिया है। तो बिल्कुल ये आपने देखा परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार जी ने किस तरीके से पिछले चार साल में काम किया है और किस तरीके का लेखा जोखा उनका रहा है, ये भी हमसे उनसे जानेंगे। और आपको बता दें कि आज इस खास कार्यक्रम में कौन कौन जो नेता हैं, कौन कौन मंत्री हैं वो शिरकत करने वाले हैं, एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं उनके बारे में। हमारे साथ सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर आज मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज वो भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला उनसे भी शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जी हां, तमाम नेता, तमाम मंत्री आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अभी तक जो तमाम मंत्री रहे हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी होंगे, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कृपाल गुर्जर भी होंगे, जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल भी होंगे, पीडब्ल्यू मिनिस्टर और नरबीर सिंह, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, महिला बाल विकास मंत्री कविता जैन भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देखिए आज बहुत ही खास मौका है, चूंकि चार साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है और इस बीच हमारे साथ परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार पहुंच चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार का। तो सवालों का सामना सर आज आपको करना होगा, चूंकि जनता से जो वादे किए हैं उन वादों पर आप कितना खरा उतर पाए हैं यही आज इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए, परिवहन मंत्री हमारे साथ में इस बीच हैं और अब मैं इस वक्त मंच पर बुलाना चाहूंगी जनता टीवी के CEO दीपक अरोड़ा जी को और साथ ही चाहूंगी कि वो अपने साथ परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार जी को लेकर आए। कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी और तब तक आप इनके सियासी सफर पर एक जरूर नजर डालिएगा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पवार मनोहर सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन और मेहनत के साथ निभा रहे हैं। कृष्णलाल पवार हरियाणा की इसराना विधानसभा से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के पास परिवहन के साथ हाउसिंग और जेल जैसे अहम मंत्रालय भी हैं। 1 जनवरी 1958 को पानीपत में जन्मे कृष्णलाल पवार की हरियाणा में मजबूत पकड़ और सियासत में सक्रियता हमेशा जन कल्याण के लिए रही। अपने राजनीतिक करियर और खास करके मनोहर सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद इन 4 सालों के कार्यकाल में कृष्णलाल पवार ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों से जनहित के कार्य किए। अक्टूबर 2014 से जून 2018 तक 666 नए स्टैंडर्ड बसों की तब्दीली या बढ़ोतरी की गई। साल 2018-19 के दौरान 267 पुरानी बसों को बदलने का काम किया गया और 300 नई बसें बेड़े में शामिल करने की योजना। विभिन्न क्षेत्रों में नए डिपो और उप डिपो स्थापित किए गए। पंचकुला को पूर्ण डिपो का दर्जा दिया गया। सभी नगर निगमों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य परिवहन उपक्रम घोषित किया गया। प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर 105 बस अड्डे स्थापित किए गए। इसके अलावा करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आधुनिक बस टर्मिनल बनाए जाने की योजना है। तो शाम बरवाला, पुनहाना, फिरोजपुर, छिरका, तावड़ू, नू, जज्जर, सापला, जाखल और नाथूसरी चेपटा में नए बस अड्डे बनाए गए। जिला पानीपत, रेवाड़ी और नू में 3 नई जेलें बनाई गई हैं। जिला जेल करनाल और फरीदाबाद में ओपन एयर कैंपस स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। जेलों में कैदियों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिवहन, हाउसिंग और जेल मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ बीते 4 सालों में कृष्णलाल पवार ने अपनी कार्यकुशलता का बेहतर परिचय दिया। हरियाणा के बुनियादी मसलों पर काम कर विकास की एक नई इबारत लिखने में अपना अहम योगदान भी कृष्णलाल पवार ने दिया है। तो परिवहन मंत्रालय किसी भी सरकार में एक अहम मंत्रालय होता है और उसका कार्यभार संभाल रहे हैं परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार। मेरी गुजारिश है मंच पर मौजूद हमारे सीईओ दीपक अरोड़ा जी और हमारे कंसल्टिंग एडिटर शशि रंजन जी से कि वो बुके देकर परिवहन मंत्री का स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। मंत्री महोदय ने वक्त निकाला है, जनता टीवी के सवालों का जब सामना वो करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जवाब आप तक ही पहुंचेंगे क्योंकि आप ही ने इनको चुना है। बिल्कुल, और ये तालियों का जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तालियां बजती हैं तो कहीं ना कहीं हौसला अफजाई उससे होती है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। ये हमारा पहला सत्र है और पहले सत्र में फिलहाल कृष्णलाल पवार जी को सवालों का सामना करना होगा और शशि रंजन जी से गुजारिश है कि वो इस सत्र की ओर प्रोसीड करें। सर, नाउ इट्स ओवर टू यू। शुक्रिया पूजा आपका, शुक्रिया अमित आपका, शुक्रिया। और खास मेहमान इस वक्त सर बोहनी कर रहे हैं आपके साथ, और एक बोहनी आपको करनी है यहाँ से जाने के तुरंत बाद, इतने लंबे स्ट्राइक चल रही है। तो कृष्णलाल पवार साहब हैं कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त हरियाणा में, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और जेल, ये महकमा है आपके पास। आज सबकी निगाहें परिवहन विभाग पर टिकी हुई है। हरियाणा को जितना मैं जानता हूँ 8-9 दिन हो चुके हैं हड़ताल के। इसके पहले 93 में एक बार एक लंबी अवधि वाली एक बहुत लंबा समय खींचा था जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पे गए थे। ये सलट क्यों नहीं रहा है मसला? मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं, पूरी सरकार बातचीत कर रही है, बातचीत के लिए आप बुलाते हैं फिर फेल हो जाता है, फिर बातचीत, आखिर रोड़ा कहाँ है? सबसे पहले मैं जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने माननीय मनोहर लाल जी की जो 4 साल जो कार्यकाल पूरा किया है उसमें आज सभी मंत्रियों को डिबेट में बुलाया है। मैं जनता टीवी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने अवगत कराया कि परिवहन विभाग की स्ट्राइक एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुकी है, इसमें जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है और मेरे पास परिवहन मंत्रालय आया है, अनेकों बार इन्होंने स्ट्राइक की घोषणा भी की
और टेबल पर बैठकर जो इनकी जो उचित मांगे थी समय समय पर मैंने इनकी मानी। और इस बात के लिए खुद वो भी कहते हैं कि अतीत की सरकारों में 8200 ऐसे SPL कर्मचारी थे कि उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी इनको रेगुलर किया जाए, तो हमने एक ही कलम से उनको सबको रेगुलर करने का काम किया। इसी प्रकार से जो कंडक्टर हैं विशेष तौर से उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, हमने कंडक्टर को सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनाया, हज़ारों हमने उनकी प्रमोशन भी की। इसके बाद जो स्ट्राइक का जो मेन विषय है, आज हरियाणा प्रदेश में एक दिन में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में हम 10.5-11 लाख लोगों को दे पा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास 4100 बसों का फ्लीट है और 3839 रनिंग में रहती हैं। इसलिए हमने 2016-17 में 600 बसें अपनी फ्लीट में डाली थी और 2018 में 650 बसें फ्लीट में डालने जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष 450 से 500 ऐसी बसें हैं जो एक बस का 7 साल का उसका कार्यकाल होता है, 8 लाख किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद उसको कंडम डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसको रिप्लेस किया जाता है। हमने अब यूनियन के पदाधिकारियों के सामने एक बात रखी थी, हमने प्रदेश के हित में हमने एक पर किलोमीटर स्कीम लेकर आए हैं, उसमें हमने कहा था मालिक की बस होगी, ड्राइवर मालिक का होगा, लेकिन उस बस का कंडक्टर है वो परिवहन विभाग का सरकारी होगा और वो परमिट जो बस का होगा परिवहन विभाग का होगा, उस बस पर पूरा कंट्रोल परिवहन विभाग का होगा। जो L1 में हमारा 31 रुपये से 37 रुपये तक आया है, इसलिए परिवहन विभाग का मेरा 49 रुपये से लेकर 51 रुपये पर किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जैसे रेशो निकाला है तो उसमें खर्चा आता है, तो इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन करने की बात नहीं थी। मैंने उनकी 34 मांग आज से 2 महीने पहले उनकी मीटिंग हुई थी, 33 को मान लिया था, लेकिन उन्होंने इस बात का धन्यवाद भी किया, लेकिन उन्होंने एक बात का विरोध किया था, जो 700 बस जो पर किलोमीटर स्कीम पर लेकर आ रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। इसलिए हमने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया था। मतलब मैं आपको इतनी देर से सुन रहा था और लंबी आपने अपनी पूरी जो आपकी योजना है उसकी उसका आपने जिक्र किया, चाहे उधर रख दीजिए, जल्दी रखिए और जाइए, ये आपने उसका जिक्र किया, लेकिन ये सब आप कर रहे हैं बावजूद उसके लोग परेशान हैं, और परेशान इसलिए हैं कि जो इम्प्लॉयज़ हैं वो आपके स्ट्राइक पे चले गए और लगातार ठप है स्थिति, कई राउंड की बातचीत हो रही है। जो हरियाणा के लोग हैं वो ये समझना चाहते हैं, क्योंकि बंद दरवाजे के अंदर आपकी बैठकें होती हैं, बाहर आप अपना पक्ष रखते हैं, बाहर निकलने के बाद कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, अंदर में कहाँ पे रोड़ा कहाँ अटक रहा है, क्या इसमें कहीं कोई खेल हो रहा है? नहीं नहीं, इसके लिए यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी केवल एक ही बात आ रही है सामने, हमें 720 जो प्राइवेट जो बस की बात वो करते हैं केवल उनका एक मुद्दा है, लेकिन ये कैबिनेट का फैसला है, हमने जो स्कीम बनाई। और दूसरा, इन्होंने 2016-17 में यूनियन के जो पदाधिकारी हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, यदि कोई सरकार कोई स्कीम लेकर आएगी हम उसका विरोध नहीं करेंगे। उसके बाद हमने कैबिनेट में फैसला किया कि हम पर किलोमीटर स्कीम लेकर आएंगे। दूसरा, हमने जैसे आपने कहा कि लोगों प्रदेश में दिक्कत है, हमने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए, मैं आज का फीडबैक आपको दे रहा हूँ, 1500 से ज़्यादा परिवहन विभाग की बसें कल चली, आज भी 1500 से ज़्यादा चली हैं, 1059 बसें मेरे सहकारी समितियों की हैं, प्रॉपर काम कर रही हैं, और 259 बसें स्कूल की है या प्राइवेट ऑपरेटर की हैं। आज 2800-2900 के करीब आज बसें परिवहन विभाग की प्रदेश के अंदर चल रही हैं, इसलिए आज भी सामान्य है कल भी सामान्य था। नहीं नहीं, ये इस स्थिति को आप सामान्य कह रहे हैं या ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई स्थिति है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश? इसके लिए आज 4 बजे हमने उनको आमंत्रित किया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से रात मेरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं, और 4 बजे आज जो परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके जो नेतागण हैं जो स्ट्राइक में हैं, आज 4 बजे हमारी हरियाणा निवास पर मीटिंग है, उनसे वार्ता का दौर रहेगा। तो क्या उम्मीद की जाए कि 4 बजे के बाद वो मान जाएंगे? उसके बाद निश्चित तौर पर हमने बार बार अपील की है उनसे, उनको समझाने की भी कोशिश की है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, जब परिवहन विभाग का परमिट है, परिवहन विभाग का कंडक्टर है, पूरा कंट्रोल हमारे GM का है,
केवल उस बस को ऑपरेटर ने 300 किलोमीटर चलाना है जो L1 में उसका आया है, जो 31 रुपये से 37 रुपये तक है। एक एक जो चाहे वो कर्मचारी, हड़ताली कर्मचारी हो या ऑपोजिशन के जो लोग हों, उनके जहन में एक सवाल ये आ रहा है और वो सवाल बड़ी प्रमुखता से लोग उठा भी रहे हैं कि सरकार इस तरीके से करते करते आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन कर देगी, यानी कि निजीकरण हो जाएगा, और ये शुरुआत है। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात ले लें, राजस्थान की बात ले लें, छत्तीसगढ़ की बात ले लें, झारखंड की बात ले लें, आपके सराउंडिंग के जितने भी, चाहे पंजाब की बात ले, कितने कैसे स्टेट हैं जिसों में बस हायर ना की, चाहे उसमें दिल्ली स्टेट हमारे लगता स्टेट है, पर किलोमीटर स्कीम इन सभी स्टेटों के अंदर आई है और चल रही है। तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो नहीं है ना? नहीं, प्राइवेटाइजेशन यदि हमारी नियत प्राइवेटाइजेशन की तरफ होती तो अपने बेड़े में 650 बस 2018-19 में डाल रहा हूँ और 600 बस हमने 2016-17 में डाली। तो जो ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बातचीत अभी जहाँ पर जाकर के रुक जाती है या कोई समाधान नहीं निकल पाता है, वो है जो आप लोग जो नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं उसका विरोध कर्मचारी कर रहे हैं। हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं। तो उसमें कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ उसके लिए अभी जाके उनसे मीटिंग करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन जो आपने एक नई योजना निकाली, जो आप पर किलोमीटर रेट की बात जो आप कर रहे हैं कि 300 किलोमीटर बस चलेंगी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार फिलहाल उसको विड्रॉ कर ले? जी, सरकार उस नई योजना को विड्रॉ कर ले जिसको लेकर, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है, क्योंकि जब भी कोई हम इस प्रकार की स्कीम को हायर करते हैं, पहले गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस देती है, हम एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, उसके बाद टेंडर L1 होने के बाद हम सरकार और ऑपरेटर के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए सरकार बैठफुक कर इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो मतलब 4 बजे की मीटिंग में आप ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि इससे उनके हित पे कहीं कोई नुकसान नहीं होगा? हाँ, उनके हित पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर हमारा परिवहन विभाग का उसके ऊपर, और जो कैश की जो रसीद उसकी आएगी वो परिवहन विभाग के पास आनी है। जी, चलिए जरा हम दूसरे मसले की तरफ बढ़ते हैं। एक मसला ये भी है कि जब आपकी सरकार आई थी तो बहुत सारी ये बातें कही गई थी कि जो रोडवेज है, क्योंकि देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो बसें हैं, क्योंकि ट्रेन की कनेक्टिविटी उस तरीके से हरियाणा में नहीं हो सकती जैसे दूसरे जगहों पे होती है या दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी है, तो हरियाणा में जो आम लोगों के लिए जो परिवहन का साधन है वो सबसे बड़ा है जो हरियाणा रोडवेज है, जो सरकारी बसें जो चलती हैं, उसके स्तर में इजाफा और नई बसों की खरीद को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती रही थी कि नई बसें खरीदी जाएंगी, 33,000 के आसपास था कि वो बसों को पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, इसके लिए कभी हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि आप अतीत की सरकारों में ले लें, 5,000 से ज़्यादा फ्लीट अब तक किसी सरकार में नहीं रहा, क्योंकि प्रतिवर्ष जैसे मैंने आपको बताया कि 7 साल की बस की एज के बाद और 8 लाख किलोमीटर के बाद कंडम डिक्लेयर हो जाती है, 400 से ज़्यादा 400 साढ़े 400 रिप्लेस होती हैं, ऑलमोस्ट उनको रिप्लेसमेंट के स्थान पर नई बस यात्री है। लेकिन हमने 600 बसें पिछली बार डाली है और 650 बसें अब डाल रहे हैं, और 357 बसों का मैंने पिछले वीक की फाइल निकाली है जो रिप्लेसमेंट के लिए हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर ये केस गया है, और 650 का भी हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर जा चुका है। पिछली बार जो हमने बसें ली, हमने लेलैंड कंपनी को L1 गया था, उन्होंने सारी बसें बना करके हमारे डिपार्टमेंट HREC ने आज पूरे प्रदेश की सभी डिपोज में हमने 600 बसें बांट दी। तो जो 8 साल के बाद जो बसों की हालत कंडम हो जाती है तो उसका रिप्लेसमेंट का काम पूरा हो चुका है? हाँ, उसका काम, क्योंकि वो तो निरंतर प्रक्रिया है, उसका एक प्रोसेस है, हम उसका पूरा करते हैं, वो पेंडेंसी नहीं है, वो लगभग हो चुका है। लगभग जी, ये बस शेल्टर्स का भी आपके ही महकमे में आ जाता है क्या? कौन सा? बस शेल्टर्स बनाना। हाँ, क्यों शेल्टर पहले परिवहन विभाग के पास था जी, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, जो हमारी जो ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, उनको भी काम दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, अब हमने जो क्यू शेल्टर बनाने का जो कार्य है हमने ब्लॉक समिति को पूरे प्रदेश में दिया है। अब जो क्यू शेल्टर बनते हैं हम उनको ग्रांट देते हैं, लेकिन जो हमारे जिला परिषद है, जो चेयरमैन है, उनकी पूरी टीम है,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करते क्योंकि कई सारे सवाल आते रहते हैं कि बस शेल्टर की ये समस्या है, बस शेल्टर की ये समस्या। अभी हमने परिवहन विभाग से हमने इनको जिला परिषद को हैंड ओवर कर दिया। दे दिया। कई लोगों ने मुझे लिखा कि जब आपके यहाँ परिवहन मंत्री आए तो उनसे ये जरूर पूछेगा, हालांकि इस बात की मुझे जानकारी थी लेकिन मैं चाहता था कि आपके जरिए जानकारी जाए, तो वो अपने स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जो भी उनके नुमाइंदा हैं उनसे वो संपर्क कर सकते हैं इस मसले पर। एक दादरी हैं संजय से, ये लिखते हैं कि सरकार 720 बसों को ज़्यादा रेट पर खरीदने के लिए उतारू है, कृष्णलाल पवार जी से पूछेगा ऐसा क्यों है। 720 जो बसें हैं उसको परिवहन विभाग नहीं खरीद रहा है, ये केवल जो एलवन में जो 453 ऑपरेटर आए थे जिसमें से 49 एलिजिबल हुए थे, ये जिस भी ऑपरेटर को जितनी बसें गई हैं वो चेसिस बस मालिक लेकर आएगा, परिवहन विभाग से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, एक और सवाल है चूंकि, और हमने जनता टीवी पे ये चलाया हुआ भी है कि जो भी मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं आप उनसे संबंधित अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर हम लगातार चला रहे हैं, आप उस पर अपने सवाल भेज सकते हैं और वो सवाल हम तक सीधा पहुँचेंगे इस कार्यक्रम में। और चूंकि ये जनता टीवी है, ये जनता का चैनल है, ये सरकार हमारी और आपकी है, ये ज़रूर समझना चाहिए, इसलिए आप अपने सवाल भेजिए और वो सवाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, हम जो भी यहाँ पे मंत्री आएंगे या मुख्यमंत्री आखिरी सेशन में आ रहे हैं हम उन तमाम लोगों से वो सवाल करते रहेंगे। एक सवाल है सर फतेहाबाद से, ये सोमवीर लिखते हैं, पूछ सोमवीर हैं उनका नाम, फतेहाबाद से लिख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये परिवहन विभाग अक्सर घाटे में ही क्यों चलते। इसके लिए ठीक सवाल किया, परिवहन विभाग प्रदेश के लोगों की सुविधाओं के लिए जी, उन मुनाफे के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास 40 ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें छात्राएं हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, विडोज हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो इसमें 40 ऐसी कैटेगरी मेरे पास है जो फ्री ट्रैवलिंग करती हैं, तो इस वजह से भी परिवहन विभाग का घाटा। तो मतलब उसमें कोई चोरी चमारी घोटाला ये सब तो नहीं, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए हम पारदर्शी अब बनाते हुए हमने अब ई टिकटिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिसमें कोई एक पैसे भी कोई हेरा फेरी नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, और अगर सवाल आएंगे, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपके इलाके से जुड़े हुए अगर सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। एक सवाल और आ रहा है, ये नाम स्पष्ट नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रिमोट कनेक्टिविटी है बहुत दूर दराज, ये मुझे लगता है ये मेवात के इलाके से सवाल है कि जो रिमोट एरियाज हैं, हालांकि सरकार बहुत बसें चला रही हैं और फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, लेकिन उसकी और ज़रूरत है कि रिमोट एरियाज में जहां कनेक्टिविटी की समस्या है वहां सरकारी बसें और चलाई जाएं। इसके लिए हमने पूरे प्रदेश में कोई ऐसा गाँव नहीं है या अर्बन एरिया नहीं है जिसकी परिवहन विभाग से कनेक्टिविटी ना हो, चल रही है फ्रीक्वेंसी। और जैसे भी ठीक जैसे, है? जैसे आपने कहा कि मेवात एरिया के अंदर जी, हमने मेवात में जिस प्रकार से अपने आप को मेवात बैकवर्ड कहता लेकिन हम सरकार को भी बैकवर्ड नहीं कहती है, हमने वहाँ पर फिरोजपुर जिरका नो हमने 5-4 बस स्टैंड तो अभी नए बनाए, वहाँ बहुत आलीशान बस स्टैंड बनाने का भी हमने वहाँ काम किया, और जो बसों की जो भी उनकी आवश्यकता थी जो कि फ्लीट में होनी चाहिए उसको हमने पूरा किया जी। चलिए, ये परिवहन विभाग से, चूंकि इनके पास हाउसिंग और जेल दो और बड़े महत्वपूर्ण महकमे हैं, तो जरा जेल की भी बात कर लेते हैं, और अगर परिवहन से जुड़े और भी सवाल हैं तो मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि जनता टीवी पर इस वक्त एक नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने सवाल वहाँ पर भेजिए और जो भी मंत्री यहाँ पर होंगे हम कोशिश करेंगे आपके अधिक से अधिक सवाल हम उन तक पहुंचा सकें और उनका जवाब आप भी सुन पाएंगे, क्योंकि 4 साल जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, मनोहर सरकार है, वो पूरे कर चुकी, आखिरी ये साल है, चुनाव की घड़ी है, इसलिए सरकार के कामकाज का भी आकलन होना उतना ही महत्वपूर्ण है। और लोकतंत्र में हमारा काम सिर्फ वोट देकर गए घर बैठना नहीं है, बल्कि ये जो हमारी सरकार है या फिर जो हम सरकार बनाते हैं
वो काम कैसा कर रही है इस पे भी नजर रखना, नियंत्रण रखना, ये दोनों लोकतंत्र में एक वोटर का काम होता है। बहरहाल ये जेल है सर, कई बार आप भी सुनते होंगे, भगवान ना करे कि वहां जाने का कभी मौका मिले, ऐसे तो आप मंत्री हैं तो जाते आते रहते होंगे, मंत्री ना रहे तो वहां जाना ना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा सर। आजकल बड़ा माहौल खराब चल रहा है, पता नहीं कब कौन कहां चला जाए। ये जेल में आपने सुना होगा कि कई बार फोन्स मिल जाते हैं, आपत्तिजनक चीजें मिल जाती हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जिस जेल में ये कहा जाता है कि पंछी पर नहीं मार सकती है, वहाँ ये मोबाइल कैसे घुस जाता है सर? इसके लिए मैं काफ़ी जेलों का समय समय पर दौरा करता रहता हूँ जी, और इस बात से मैं कोई डिनाई नहीं करता कि वहाँ पर मोबाइल वगैरह नहीं मिलते। इसके लिए कोई मेन गेट की बजाय जैसे कोई बाउंड्री वाल से ऊपर से फेंकने से किस कारण से अंदर मोबाइल मिल भी जाते हैं, लेकिन हमने पूरी जेलों के लिए प्रबंध किए हैं कि कोई भी जेल के अंदर मोबाइल काम ना करे। अब हम पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी जेलों में 4G के जैम्बर लगाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 3G के जैम्बर थे जिससे कि फिर 4G आने के बाद वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे 3G के। अब हमने पूरी तैयारी कर ली है और भारत सरकार भी केवल एक ही एजेंसी है, उनकी अभी टेस्टिंग चली हुई है, बहुत जल्दी हम 4G के जैम्बर जेलों में लगा देंगे। तो कोई मोबाइल काम नहीं करे जब तक टेस्टिंग चलती रहेगी, उसके लिए हम समय समय पर जैसे हमारे पुलिस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है और परिवहन क्या नाम जेल डिपार्टमेंट के मेरे अधिकारी हैं, हम ज्वाइंट चेकिंग भी करते रहते हैं। हम पूरी निगरानी रखते हैं कि किसी भी बंदी के पास कोई मोबाइल ना मिले। यदि कोई किसी बंदी के पास मोबाइल मिलता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, कोई कर्मचारी इन्वॉल्वमेंट होती है हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। चलिए, मतलब एक बार आपने कार्रवाई की सर्च ऑपरेशन, उसी जेल में 2-3 महीने के बाद फिर सर्च ऑपरेशन, फिर मोबाइल निकल जाता है। इसके लिए हम पूरी शक्ति बरत रहे हैं कि अंदर कोई मोबाइल ना पाए और 4G जैम्बर लगने के बाद मेरे ख्याल कोई मोबाइल अंदर काम नहीं करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक और खास मेहमान आ चुके हैं, पूजा ओवर टू यू। अमित, शुक्रिया सर। तो देखिए, सवालों का सामना किया है परिवहन मंत्री ने, और जिस तरह से रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है उस पर जब तीखे सवाल पूछे गए तो उनकी तरफ से साफ कहा गया कि नुकसान रोडवेज कर्मचारियों को नहीं होगा। तो प्रदेश के और भी तमाम मंत्री, बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे भी सवाल पूछेंगे। और जैसे कि जिक्र किया शशि सर ने कि इस वक्त हमारे बीच एक और मंत्री पहुंच चुके हैं, कर्णदेव कंबोज भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। अमित, बिल्कुल, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर भी हमारे बीच आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका भी आप स्वागत करें। बिल्कुल, देखिए ये हमारे जो मंत्री हैं, नेता हैं, इनके पास वक्त की कमी बहुत होती है क्योंकि जनता के बहुत काम इनको करने होते हैं और वक्त निकाला सर, बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं गुजारिश करना चाहूंगी शशि सर और दीपक सर से कि वो दीपक सर मंच पर आएं आप, और परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार को आप सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। तालियों की गड़गड़ाहट दरअसल ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन, और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।